أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدانها أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيدنا إمامنا وقائدنا ومقتدانا غريب الغرباء عالم آل محمد الإمام الرضا المرتضى علي بن موسى الرضا ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صلى قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات القرآن سنٹر اپر ڈربی پینسلوینیا میں آج 1442 ہجری کے شہادت کی شب کی مجلس جو امام علی ابن موسی رضا سلام اللہ علیہ کی ہو رہی ہے اس مجلس کو اسپانسر کیا ہے مولانا علی رضا علوی نے اور ان کی فیملی نے
मैं अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ, अल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, शाह खुरासान के सदक़े में, इमाम ज़ामिन और सामिन के सदक़े में मौलाना अली रज़ा अलवी और उनकी फैमिली को अजर व जज़ा व सवाब जज़ील व कसीर इनायत फरमाए। मलिक फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की मगफरत हो। जो सादात किराम मोमिनीन मोमिनात आज की मजलिस में माशाल्लाह जौक दर जौक तशरीफ लाए हैं, अल्लाह किसी को भी अल कुरान सेंटर से और मजलिस से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से खाली न पड़ता। मरीजों को शिफा मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जिनके रोजगार हैं उनके रोजगारों में खैर व बरकत हो, अहल व आयाल में रिस्क व माल में बरकत हो, सबके खास तौर पर हुज़ार मोहतरम नाजरीन नाजरात के मरहूमीन की मगफरत हो, मुंतजमीन को जिन्होंने बेहतरीन इंतजाम किया है माशाल्लाह अल्लाह अजर व जजा नाम बना इनायत फरमाए। मैं इसका आगाज कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल नया टॉपिक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो आज तक मैंने आपके यहाँ नहीं पढ़ा। रिवायत एक है, उसी पर इंशाअल्लाह मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाए। सिर्फ एक रिवायत, और वो रिवायत इमाम अली इब्न मुसर रज़ा सलामुल्लाह अलैह से मनकूल। जाहिर रिवायत से मालूम होता है कि इमाम की खिदमत में किसी चाहने वाले ने क्वेश्चनर रखा, यानी असएला रखे, बहुत सारे सवाल। सरकार ने उन असएला के अजवेबा, और अगर उसको कंडेंस करके कहें तो एक सवाल था और फिर जवाब मुख्तलिफ थे। जाहिरन ये मफहूम रिवायत बताता है कि साहिल ने पूछा कि सरकार ये जो हरूफुल हिजा है, हरूफ तहज्जी, आज गिन भी लेंगे कि कितने हैं, जितने हुरूफ तहज्जी हैं आज ये लोहे दिल पे नोट कर लीजिए, उतनी ही सूरतों के अवाइल में हुरूफ मुकत्तआत है। क्या ब्यूटी है कुरान की, हुरूफ तहज्जी उतनी ही सूरतों के अवाइल में है जितनी तादाद है अरबी में हुरूफ हिजा हुरूफ तहज्जी की। अब आज पता भी चल जाए। तो सरकार से पूछा कि ये जो हुरूफुल हिजा है, हुरूफ तहज्जी है, ये जो अल्फाबेट्स हैं अरबिक के, सरकार ये बताइए कि कोई खास वजह है, क्या ये हुरूफ एब्रीविएशन है हर हर्फ किसी एक मफहूम का, किसी एक नाम का, किसी लकब का, किसी इनायत का, किसी रहमत का? ये वजाहत मैं कर रहा हूं। साहिल ने तो बिल्कुल सिंपल पूछा है ना, तो सरकार ये क्या है, सरकार ने जवाब इरशाद फरमाया और हमारी मजलिस शुरू होगी। एक एक आपने गिनती आना सही, सब आपने गिनती खास। सरकार ने फरमाया कि ये जो हरूफ हिजा है हर एक में एक मतलब या चंद मतलब पिन्हा है। फरमाया मसलन अलिफ से अलिफ, ये एब्रीविएशन है अलिफ, जैसे H2O आप क्या होती है, ये इस तरह अलिफ एब्रीविएशन है। सरकार किसके लिए, फरमाया अलिफ से मुराद है आला उल्लाह, अल्लाह की नियमत। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक एक जवाब पर एक एक नारा ड्यू है, अगर आप थके ना हो तो। अलिफ से मुराद आला उल्लाह, आला इला की जमा है, अलिफ लाम अलिफ आगे हमजा है, आला बनता है जब अलिफ पर मद आ जाए या अलिफ पर खड़ी जबर यदि खड़ा अलिफ आ जाए तो बन जाता है आला। आला से मुराद अल्लाह की नियमतें। और टेक्स्ट में जाएं तो मुल्ला जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा
अल्लाह की इनविजिबल नेमतें जिन्हें आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, सूंघने से महसूस नहीं होती, टच करने से पता नहीं चलती, एक वजूद इंसान में 12,000 नेमतें ऐसी हैं जो हयात का सबब। अलिफ से मुराद आला उल्ला, अल्लाह की मख्फी नेमत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की मख्फी नेमत। ये दिल है, दिमाग है, ये जिगर है, ये लंग्स हैं। आजकल देख रहे हैं ना, मख्फी का काम ज्यादा है जाहिरी से। ये वेंटिलेटर पे जब बंदे होते हैं, एक साहब है वेंटिलेटर से उठ गया है, तो हमने खैर दुआ भी की खास उनके लिए, बड़े मोमिन भी है, तो कहने लगे कि वेंटिलेटर पे जब एक लम्हे के लिए मुझे होश आई तो मैंने शाह खुरासान को पुकारा, पुलिस भी है खुद, कि आप मेरे जद हैं, मुझे बचा लीजिए। उस यान कहते हैं टोटली तौर पे मैं होश में आ गया, मुकम्मल तौर। तो ये वो इमाम है कि एक लम्हा आप उन्हें याद करें, आपकी सारी कायनात बसा देते हैं। इनको सिर्फ अल्लाह से अप्रूवल चाहिए, किसी और से नहीं, बल्कि मैं यूं कहूं अल्लाह से ये प्री अप्रूव्ड है। क्या इमाम आपको अल्लाह ने दिए। अलिफ से मुराद आला उल्लाह, बा से मुराद, फरमाया बा से मुराद बहा उल्लाह। बहा कहते हैं ताकत को, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की अजीजियत, अल्लाह का इख्तदार। आपने तो बा से मुराद और भी समझा हुआ है ना, अल्लाह के इख्तदार का जरिया है मौला जो नुकता है तहतल बा। बा से मुराद बहा उल्लाह, ता से मुराद तमाम उल अम्रे बेकाइम औल मोहम्मद। सुभान अल्लाह, कयामत आ नहीं सकती जब तक कायम आले मोहम्मद तशरीफ ना। कासिम रजी तमाम उल यार, ये जो सो रहे हैं जाग जाए, सो के सुनने वाली मजलिस नहीं। सा से मुराद सवाबुल मोमिनीना अला अमालेहिम सालिहा, मोमिनों को सवाब मिलेगा जब नेकी करेंगे, काफिरों मुनाफिकों को नहीं मिलने वाला। अल्लाह जीम से मुराद सुभान अल्लाह जमालुल्लाह जलालुल्लाह। से मुराद हा ये जल्ला जलालु, शाबाश सही सर, ये जल्ला जलालु इसी से। तो ये जीम, हा से मुराद हिल्मुल्लाह अलल मुज़्ज़निबी, हा से मुराद ये है कि अल्लाह गुनाहगारों पे भी हलीम है। बर्दाश्त कर लेता है। खास से मुराद खौलो विक्रे अहलिल मासी इंदल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, खास है मुराद जो गुनाहगार हैं, गुनाहगार उनका जिक्र अल्लाह के पास न करो, अगरचे मेहरबान उन पे भी है मगर तुम न करो, ताकि पता चले तुम अल्लाह की पार्टी पे हो, गुनाहगारों की पार्टी से नहीं। ये बड़े बड़े गुनाहगारों पे, छोटे गुनाहगारों के लिए कोई आप दुआ कर सकते हैं। बड़े जो मुनकिर टाइप जो लोग हैं उनका जिक्र अल्लाह के सामने न करो। दाल से मुराद
دین اللہ مرتبہ یا زل جلال والے اکرام پڑھ لیں آپ کی زندگی کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی. شروع کر کے دیکھ لیجیے, 40 دن میں پڑھ لیں, 50 دن میں پڑھ لیں. یا زل جلال والے اکرام, یہ عجیب اسم اعظم ہے. زال سے مراد زل جلال والے اکرام, را سے مراد, توجہ رہے, را سے مراد الرؤوف الرحیم, اور وہی ہے الرحمن. اللہ اکبر, رحمت اللہ وہی. زال سے مراد فرمایا زلازل القیامت, قیامت کے زلزلوں سے ڈرو, گناہ نہ کرو, دنیا سے نہ چپکو, آخرت کا بھی خیال رکھو. یہ زال بتا رہی ہے زلزلے. زال سے مراد زلزل. سین سے مراد ثناء اللہ, اللہ کی اچھائیاں. اللہ کے شکوے نہ کرو, اچھائیاں کرو. کہ کچھ بھی نہیں تھی انویسٹمنٹ, پھر بھی جانور نہیں بنایا, انسان بنایا. اس کی کرم نوازی ہے, منافقوں میں پیدا نہیں کیا, مومنوں کے گھروں میں پیدا کیا. کتنی بڑی کرم نوازی. اچھائیاں کرو. شین سے مراد, حیران ہو جائیں گے, شاء اللہ, اسی سے ہے ماشاء اللہ, اسی سے انشاء اللہ, سبحان اللہ. ساد سے مراد صادق الوعد, اللہ صادق الوعد, نبی صادق الوعد, ہمارے امام صادق الوعد. اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا, نبی اپنا وعدہ نہیں توڑتے, بی بی پاک اپنا وعدہ نہیں توڑتی, ہمارے سارے امام اپنا وعدہ نہیں توڑتے. کیسا سچا مذہب ہے کہ خالق سے لے کے مخلوق تک سارے وعدے کے سچے. صادق الوعد. آپ کو بھی وعدہ خلاف نہیں ہونا چاہیے. وعدہ کیا ہے کہ آئیں گے تو آنا ہے. ہاں بالکل, ایسے نہ ہو کہ ایم سی صاحب پریشان بیٹھے رہے. وعدہ کیا ہے تو پھر وعدہ خلافی نہ کریں. ہمارا مذہب وعدہ خلافی والا نہیں, وعدہ وفائی والا. ہم وفادار عباس کے ماننے والے ہیں. ذات سے مراد ولمن خالف محمد وآل محمد, سبحان اللہ. ذات سے مراد گمراہ ہو گیا وہ بندہ جس نے آل محمد کو چھوڑ دیا. اللہ اللہ سے مراد جس کو آپ توئے کہتے ہیں, توئے نہیں ہوتا. صحیح صاحب تو قرآن پڑھاتے بھی ہیں آج کل آن لائن. توئے نہیں ہے, توئے غلط. تو ہے تو. تجوید پڑھیں, ہاں مہربانی کریں پڑھیں. سب کو چاہیے, ہر شیعہ کو چاہیے کہ وہ پوری تجوید پڑھے. قرآن تجوید کے لایا ہوں اور لے آؤں گا اگلے انشاءاللہ اگلے ہفتے, ہفتہ کے دن 7 بجے حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. یہی مجلس ہوگی اتنے ہی بجے پابندی سے انشاءاللہ. 7 بجے آپ آ جائیں اور لے آؤں گا قرآن. تو یہ آپ اذہان عالیہ میں ذہن فرما, ذہن نشین فرماتے چلے. سین شین صاد واد تا تا توبا لل مؤمنی. توبہ سے مراد یعنی خوش قسمت ہیں, مبارک ہو انہیں جو مومن ہیں, مبارک ہو. یہ توبہ بتا رہا ہے, تو تا کیا بتا رہا ہے؟ مبارک ہو مومنوں کو جنت کی نجات کی. ہمیں جو کافر کہہ رہے ہیں, ہمارا وجود تو حروف الحجاب اللہ نے رکھا ہے. ہماری نجات کی گارنٹی تو حروف تہجی میں موجود ہے.
आप पहले अल्फाबेट सीखे फिर शीयत समझ में आए। जिसको आप कहते हैं ज़न्नुल मोमिनीना बिल्लाह खैर, ज़ा बताती है, ज़ोए बताता है कि मोमिन हमेशा अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखते हैं खैर का, कि वो करीम रब है, वो माफ कर देगा। उसकी पकड़ पे यकीन न रखो, उसके छोड़ने पे यकीन रखो। ये ज़ा बता रही है, ज़ोए ने बता दिया कि अल्लाह छोड़ देगा। ऐन ऐन इल्मुल आलिमिल मुतलक सुभानअल्लाह अल अलमो हुज्जतुल्लाह, ऐन बता रही है कि इल्म सारा का सारा उसके पास होता है जो उधर से पढ़ा हुआ हो और जो हुज्जतुल्लाह हो। कुछ मुलादा फरमा रहे हैं आप हजरत, ये ऐन से मुराद इल्म, किसका इल्म? आलिमे मुतलक का इल्म। आलिमे मुतलक कौन है? एब्सोल्यूट नॉलेजेबल वो है जो अपनी बेटियों से मसले न पूछे जिससे जिब्रील मसले पूछे। गैन से मुराद अलगनी, अल्लाह गनी है तो किसी का मोहताज नहीं है, फो साहब गनी नहीं, अल्लाह गनी है। गैन ने फा फे जिसको आप कहते हैं अफवाजिन नार, अल्लाह से डरो इसलिए कि उसके पास फौजें हैं जहन्नम की, वो यहाँ पर भी जला सकता है, वो यहाँ पर भी अजाब कर सकता है। डरो अल्लाह से, अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। डर के रहने फौज मिन अफवाजिन्ना, काफ से मुराद कुरान। ये हमारे भाइयों ने आज तक काफ कैंची वाला कहा है, कुरान वाला नहीं कहते, क्योंकि मुनाफिक है कैंची की तरह काटते रहते हैं, काफ कैंची वाला। स्कूल में काफ भैया काफ कुरान वाला पढ़ा, गौर करें ना, काफ कैंची वाला जी। अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा इनकी हिदायत करे। काफ से मुराद काफ क्या है? अल काफी ना, ना? वो दूसरा काफ, यानी जिसको आप क्याफ कहते हैं वो तो काफ, काफ हाँ, काफ दो नुक्ते वाला कुरान, काफ कश वाला, वो जो कश वाला होता है अल काफी, अल्लाह काफी है, कुरान काफी नहीं, अल्लाह काफी। कुरान आले मोहम्मद के साथ मिले तो दोनों काफी है, आले मोहम्मद काफी है, कुरान तरह काफी नहीं है, अल्लाह काफी। लाम लगमुन लिल काफिरीना इफ्तिराउहुम अलल्लाहिल कज़िब, सुभानअल्लाह। लाम से मुराद लगव है, फजूल है ये फिक्र जो काफिर अल्लाह पे तोहमतें लगाते हैं कि उसने हमें गुमराह कर दिया, हम तो नहीं होना चाहते थे। पता चला जहां खैर और शर की निस्बत अल्लाह की तरफ हो वही कुफर होता है। ये लग्व है। मीम से मुराद मीम, मीम से मुराद लेमानिल मुल्कुल यौम, मुल्क हाँ, वो लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वो मुल्क अल्लाह के लिए,
मलिक अल्लाह है। ये मजाजी मलिक होते हैं, ये जो हमारे यहाँ मलिक होते हैं, कुछ कसाई मलिक होते हैं, कुछ आवान मलिक। कसाइयों ने हमें बदनाम कर दिया, मैंने तो तब से ये मलिक लिखवाना ही छोड़ दिया, जब से पता चला कि ज्यादातर कसाई मलिक लिखवा रहे हैं। जैसे रहमान मलिक है, जैसे या वो मलिक जिसका वो बहरिया टाउन है, ये कसाई, ये मलिक रियाज कसाई है। लोग हमें भी कसाई समझने लगे, हम तो आवान है हजरत अब्बास की औलाद है। ले मलिल मुल्कुल यौम, मुल्क मीम से मुराद मुल्क, मुल्क इख्तदार पावर हुकूमत, कयामत के दिन अल्लाह की मालिक ये मीम से मुराद यही मुल्क, वही मालिक यौमिद्दीन इसी से, अल मुल्कु लिल्लाह इसी से, अल मलिक भी इसी से, अल्लाह मलिक, अल मलिक अल खुद्दूस अल सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन, वो सुपर ताकत वही, एब्सोल्यूट पावर वही है। वो इतनी बड़ी ताकत है कि जिसके सामने बड़े बड़े ताकतवर हुजूर जैसे, अली जैसे, बीबी फातिमा जैसी फजीलत वाली, हसन हुसैन झुकते हैं, इमाम रजा झुकते हैं, हर इमाम झुकता, हर नबी झुकता, हर फरिश्ता झुकता है। कितना बड़ा मालिक है वो है मलिक यौमिद्दीन, वो है मालिक यौमिद्दीन, मलिक भी वही, मालिक भी वही। नून से मुराद नवालुल्लाह अलल मोमिनी व नकालुहु अलल काफिरी, बाद में लिल देखा, लिल मोमिनी लिल काफिर, एक रिवायत भी है। नवालुल्लाह लिल मोमिनी, अल्लाह पहुंचता है मोमिनों को, सुभान अल्लाह। अब याद तो करें अल्लाह को, तहज्जुद की नमाज पढ़ के तो देखें, दिल में बरकतें देखिए, अल्लाह को याद करके तो देखें, कुरान पढ़ के तो देखें, नमाज पढ़ के तो देखें, अल्लाह किस तरह रहम करता है। नवालुल्लाह, ये निवाला होता है ना, निवाला, निवाला वो होता है जो पहुंच जाए, निवाला वो नहीं होता जो वहां पढ़ा, अल्लाह पहुंचता है, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह पहुंचता है मोमिनों तक, मोमिनों की दादरसी फरमाता है। पर नकालुहु लिल काफिरी, काफिरों को भी पहुंचता है, वहां अजाब लेके पहुंचता है, यहां सवाब लेके पहुंचता है। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह लामी नून वाव, वेलुल लिमन असल्लाहा, वेलुल लिमन असल्लाहा, बर्बादी है उसके लिए, वेलुल लिमन असल्ला, वेलुल कुल हुमजत लुमज शाबाश, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعْمُونَ وَيْلْ جانتے ہیں وَيْلْ وَيْلْ دراصل ویلی ہے ویلی آئی سمجھے ویل ویلی کو کہتے ہیں بربادی کی ویلی اس کو کہتے ہیں ویل ویلن واو ہے ویل کے لیے ویل ہے بربادی ہے تباہی ہے جہنم ہے ان کے لیے لمن عصى الله جو اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کے تابع فرمان رہے اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر ہمیشہ اللہ کے تابع رہیں اللہ کے مطیع رہیں حضور کے تابع رہیں یہ ویل لمن عصى الله آگے آگے ہاں حانا حانا علی اللہ اللہ پہ آسان ہے لمن عصاہ جو چاہے مخالفت کرے اللہ کا کیا بگڑتا ہے حان اللہ اللہ کیئر ہی نہیں کرتا اللہ کی طرف سے توہین ہے اس کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کی معصیت کرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر حان اللہ اللہ کے لیے چیز کوئی خاص نہیں ہے بہت کم چیز ہے یہ کمزور چیز ہے کوئی بندہ مخالفت کر لے اللہ یہ ہماری مخالفت آپ ایک دوسرے کی خدا نخواستہ اگر مخالفت کریں تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے شوگر ہائی ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس برداشت نہیں
अल्लाह को कोई परवाह ही नहीं। हाँ अल्लाह, अल्लाह का ये बड़ा आसान है, जो चाहे मुखालफत करे, मुखालफत करके देख लो मैं भी दबोच लूंगा, फिक्र ना करो। दुनिया और आखिर में तुम्हें देखूंगा, मैंने बड़े बड़े फिरौनों को दबोचा, बड़े बड़े नमरूदों को, शद्दादों को मैंने तबाह बर्बाद किया। आप ईमान से बताएं, कोई सोच सकता था सद्दाम की ऐसे हलाकत होगी, या कजाफी ऐसे मरेगा, शायरान ऐसे दफा दूर होगा, ज़ियाउल बातिल इस तरह दफा दूर होगा, कोई सोच सकता था? दाइश ऐसे तबाह होगी, कायदा ऐसे मरेगी, अलकायदा, तालिबान, सिवाय सहाबा, लश्कर जंगवी कहां गए? तबाह हुए कि नहीं हुए? हां अल्लाह, अल्लाह के लिए कोई चीज नहीं है जो मासियत करे अल्लाह की, कोई परवाह नहीं अल्लाह को। हमजा और अलिफ एक उठे, वो बता दिया, ये हुरूफ तहजी में हमजा और अलिफ एक शुमार होते हैं। अब आखिरी रह गई या, या सुनेंगे तो फिर इस पर जितने नारे लगा ले काफी है, उसके बाद फिर मैं मसह पढ़ता हूँ। ये सरकार बता रहे हैं, सरकार। अब ये सही सब गिने कि नहीं गिने? 26 हो गए, ज्यादा होने चाहिए, नहीं नहीं 29, 28 होने चाहिए, 29। देखे गिलने दोबारा, अलिफ मा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद वाद था वा खेन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। कितने हो गए? ये हो गए जी 15, 27 हो गए जी। हमारा गोल अचीव हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान गोल अचीव हो गया, कुल है 29, कुल 29 है। हमजा को अलग करें तो 29, और सूरतें भी 29। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रह गया, एक रह गया ना, 28 आ गए ना, 28 में वही हमजा हो गया ना, ऊपर आ चुका हमजा और अलिफ एक ही है, ऊपर आ चुका, एक रह गया और क्या या, तम्मत बिल खैर, या से मुराद यदुल्लाह, यारी आया आज की तकरीर कुछ समझ में आई? बिल्कुल नहीं है कि नहीं? आज तक तो नहीं पढ़ी ना, यहाँ नहीं पढ़ी, और जगह पे पढ़ी, यहाँ नहीं पढ़ी, और पूरी हाफिज़े से पढ़ी, और यकीन करें यही आके तैयारी की, लिखी हुई तो खैर है पुरानी, मगर यही अल्हम्दुलिल्लाह ने हाफिज़ा आपकी दुआओं से ऐसा दिया है कि यही तैयारी की है, और 100% सही आपको सुना। एक रिवायत में पूरी मजलिस 1442 हिजरी की तबाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम ये इस डेप्थ में भी जाएं कि हमारे इमामों ने क्या क्या गौर रहा है नुमाया पोशीदा रखे, जिनको हमें चाहिए कि हम वो नुमाया गौहर ले आए पोशीदगी से निकाले उन्हें। ये जी हाँ, ये हमारा भी फर्ज है। बस ऑलमोस्ट वक्त खत्म होने वाला है, जो चंद मिनट बाकी हैं उनमें मैं एक दो इरशादात भी सुन लूं। इन्ना शर्रन्ना से, सबसे बुरा बंदा वो है, सरकार फरमा रहे, मन अकला वाहदा, जो अकेला खाता है, सबसे शरारती बंदा वो है, बुरा बंदा वो है जो अकेला खाता, तो अकेले ना खाइएगा, भाई बहनों को भी साथ खिलाएं, फैमिली को भी साथ, यानी सखी बने बखील ना बने। ये इमाम की तौसिया है, इमाम का तौसिया है, इमाम की वसीयत है, इमाम की नसीहत है। इमाम चाह रहे हैं कि उनके चाहने वाले सखी हों। इन्न शर्रन्ना से मन अकलवा, ये एक इरशाद। एक और सुन, फरमाया ला तत्रुकुल इबादत वल ला तत्रुकु, न छोड़ो तकवा को, खैर को, वल इज्तिहाद फिल इबादत, और इबादत में कोशिश को, खैर न छोड़ो,
ला ततरुकुल खैर, खैर न छोड़ो, तकवा न छोड़ो, जोहद न छोड़ो, और इज्तिहाद फिल इबादत। जो असल रिवायत है वो ये है, ला ततरुकुल अमल सालिह, अमल सालिह न छोड़ो। सारे मुरादी माने तकवा, जोहद, खैर। असल बार ये है, ला ततरुकुल अमल सालिह, सालिह अमल न छोड़ो, नमाज न छोड़ो, रोजा न छोड़ो, कुरान न छोड़ो, मरहूमीन की याद न छोड़ो, जबान पर कंट्रोल न छोड़ो, शब में अल्लाह को याद करना, अमल साले तर्क न करो, वल इज्तिहाद फिल इबादत, इबादत में कोशिश को तर्क न करो, स्ट्रगल करो, एफर्ट्स हमेशा लगे रहो। ऐसे ढीली ढाली नमाजें नहीं पढ़नी, ढीला ढाला हज नहीं करना, ढीला ढाला उम्रा नहीं, ज्यारत नहीं, ढीले ढाली मैसे नहीं, एक्टिव होकर इबादत में एक्टिव रहो। इत्तिकालन अला हुब आल मोहम्मद, ये बहाना ना बनाओ कि अमल साले छोड़ देंगे, इबादत में कोशिश नहीं करेंगे, आले मोहम्मद बचा लेंगे। इमाम फरमा रहे हैं ये ना करो, और करें जरा, क्या पैगाम दिया है आपको। ला तत्रुकुल अमल साले والاجتهاد في العباده اتكالا على حب آل محمد، حب آل محمد محبت اہل بیت کا بہانہ بنا کر نہ عبادت میں کوشش چھوڑو، نہ زہد و تقوی خیر عمل صالح ترک۔ سبحان اللہ، بس یہ آج کی حد تک کافی، زندگی ہے تو پھر اگلے سال انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے بارے میں ایسی ہی نئی بحث آئے گی۔ میں سوچ رہا تھا 29 نعرے لگیں گے، مگر یہ زیادہ ہی لگ گئے۔ اللہ کریم آپ سب حضرات و خواتین کو اجر و جزا عنایت فرمائے کہ آپ مجلس میں تشریف لائے، دور نزدیک سے آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، خاص طور پہ مرزا صاحب اور مسز مرزا صاحبہ جنہوں نے خاص طور پہ اہتمام کیا ہے، جلدی آئے ہیں، وقت پہ آئے ہیں، اور علی رضا علوی ان کی مسز اور پوری فیملی، ملک فیملی، خاص طور پہ آپ تمام حضرات بھی جو ماشاءاللہ وقت پہ تشریف لائے اور بہترین مجلس ہو گئی۔ اللہ کریم آپ سب کو سوائے اللہ کی ذات کے کسی کا محتاج نہ فرمائے، خاص طور پہ کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے، آپ کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، آپ کے سارے مرحومین تک اسی وقت یہ ثواب پہنچ جائے۔ اور امام الرضا علیہ السلام جو فرماتے ہیں جو میری زیارت کرے، پچھلی مرتبہ ایک حدیث بیان کیا تھا، فرماتے ہیں جو میری زیارت کرے ایک دفعہ میں اس کے پاس تین جگہ ہوں گا، تین جگہ میں اس کے پاس آتا، قبض روح کے وقت میں آتا ہوں، عند الاحتضار میں ملک الموت سے کہتا ہوں کہ قبض روح میں آسانی کرنا میرا ظاہر ہے، سبحان اللہ، پل صراط پہ میں آتا ہوں، محشر میں بھی میں، امام ہمارے آئیں اور انشاءاللہ ہم مورد لطف و کرم حضرت امام الرضا سلام اللہ علیہ قرار پائیں۔ اگلے ظاہراً سیٹرڈے کو شاید یہ پروگرام بھی ہے زین بھائی کا، انشاءاللہ نماز میں وہاں پڑھاؤں گا، ظہر کی نماز وہاں ہوگی، پھر 7 بجے آپ یہاں تشریف لے آئیے گا، انشاءاللہ وہاں پر حاضری ہوگی باب العلم میں بھی۔ بس مجلس تمام ہوئی، میں 4 جملے مصائب کے بیان کروں، طویل زحمت نہیں۔ پہلا جملہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ امام الرضا علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں جنہوں نے یہ طریقہ مجلس کا ایڈاپٹ فرمایا جو آج کل مجلس کا طریقہ ہے، یہ ذاکر کو کرسی پہ بٹھانا یا اونچی جگہ پہ بٹھانا، جیسے اب تو ممبر آ گئے، یہ سب سے پہلے شروع کیا ہے امام الرضا علیہ السلام۔ لہذا یہ مجلس سنت ہے اس شیپ میں شاہ خراسان، عزاداری کی جو بنیاد رکھی اس شیپ میں، یہ آرگنائزڈ شیپ میں
पहले तो मुजिद हैं, बानी हैं, इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब। अलबत्ता ये जो इस शेप में मजलिस की इब्तिदा की वो सामिरुल हुजज ने की, इमामुर रिज़ा, और इमाम की ये ख्वाहिश उठी थी कि मजलिस होती रहे। रयान इब्ने शबीब से कहा, इन कुंता बाकियन फलयबके लिजद्दी अलगरीब, अगर तुझे रोना होना तो मुझ गरीब के गरीब दादा पे रो। ये इमाम की ख्वाहिश, आप आज इमाम की डिमांड को सप्लाई देने आए, इमाम की ख्वाहिश है। इमाम फरमाते हैं कि किसी से कहा कि मजलिस पढ़ो, उसने पढ़ी मजलिस, कहा और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, सुभान अल्लाह। इमाम की ये ख्वाहिश होती थी कि मजलिस बार बार पढ़ी जाती रहे, ज्यादा मजलिस हुसैन जिक्र सैयद शुहदा होता रहे। आज उस इमाम की मजलिस में आप तशरीफ लाए। और एक बात और सुन लीजिए, रोती हुई आंखों के साथ, ये जो न्याज का सिलसिला है ना, न्याज, ये जो जाकिर को न्याज दी जाती है, आपको मालूम है सबसे पहले किसने दी है? बीबी मासूम है कुम ने अपने जेवर दे दिए जाकिर हुसैन को। ये बहन भाई इसके बानी है, अल्लाह अकबर। और इमामुर रिजा को गरीबुल गुरबा इसलिए कहते हैं कि वो जिस जगह दफन है, तूस खुरासान मशहद जो आजकल मशहूर है, वहां कोई और रिश्तेदार नहीं था, इसलिए गरीबुल गुरबा कहते। अरबी में गरीब का माना पुअर नहीं होता, गरीब का माना ये होता है कि जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो उसे कहते हैं। ये गरीबों के भी गरीब है, इसलिए कि जब इन्हें जहर मिली तो इनका कोई अजीज पास न था, अल्लाह अकबर। अगरचे इनके बाबा भी इसी हालत में शहीद हुए, मगर वो अरब में थे, ये अजम में थे, ये अकेले हैं जो अजम में गए, अल्लाह अकबर। इसलिए भी इनको गरीबुल गुरबा कहा जाता है। रावी रिवायत करता है, अबू सल्त की रिवायत है कि मैं सोच रहा था कि तजीज और तगसील और तकफीन का क्या होगा, तदफीन का, कि मैंने देखा बगैर दरवाजा खोले हुए एक जवान 9 साल का, नौखेज 9 साल का अंदर आया। मैंने कहा कौन हो? कहा मैं मोहम्मद तकी जवाद हूं, मैं अपने बाबा को गुस्ल देने के लिए आया हूं। इमाम ने 9 साल के सिन मुबारक में गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला आप गरीबुल गुरबा जरूर हैं, मगर सजाद के बाबा से ज्यादा गरीब नहीं। आपका बेटा पहुंच गया, गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, दफन भी कर दिया, मगर कोई न था जो आप इन्हें बीमार से कहता। अपने बाबा का जनाजा पढ़ा लो, अपने बाबा को गुस्ल दे लो, अपने बाबा की नमाज जनाजा अदा कर लो। 3 दिन तक तपती रेती पर मेरे मौला का जनाजा पढ़ा रहा, और 3 दिन के बाद जब बेटा आया भी है तो अजब मंजर देखा, हड्डियां कहीं पड़ी हैं, गोश्त के टुकड़े कहीं पड़े हैं, पसलियां कहीं पड़ी है, अल्लाह अकबर। इमाम अली इब्न हुसैन ने एक मर्तबा बड़ी असद से कहा कि ईतूनी हसीरन, मुझे चटाई ला के दो। चटाई पर गोश्त के टुकड़े गरीब ज़हरा के रखे, हड्डियां पसलियां रखी, सपुर्दे खाक किया। अजरकुम अल्लाह, किस जबान से कहूं, आप जाते हैं ना पाइंती में दफन है अली अकबर, और पता है अली असगर कहां दफन है? जो कटा हुआ सीना था सीने पे रखा अली असगर को, अजरकुम अल्लाह, बल्कि सीने पे थे अली असगर जब गए थे तो सीने में गोश्त का टुकड़ा था, वही अली असगर थे, क्योंकि अली असगर की लाश भी पामाल हुई जैसे हुसैन की लाश पामाल हुई। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बी यन्क़लिबु।